अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसी देख रहे हो फकीरी रंग चैनल। एक बार फिर हाजिर हाँ आप की खिदमत दे विच अज दे पैगाम लैके। अज दे इस पैगाम दे विच आप जी नाल गल सांझी करांगा कि जिवें असीं बंदगी करते हैं, पाठ करते हैं, वो क्यों करते हैं, तो साड़ी जिहड़ी रूह है, जिहड़ी साड़ी आत्मा है, इहनूं ताकत किवें मिलदी है। असीं दो तरह करके कमज़ोर होंदे हाँ। एक असीं अपनी शरीरिक कमजोरी साड़ी होंदी है, शरीर कमज़ोर हुंदा है, तो दूजी साड़ी जिहड़ी आत्मा कमज़ोर हुंदी है। इन्हां दोनों चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। उन्हां दे लई खास जो पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, बंदगी करते हैं, किसी भी विधि दे नाल परमात्मा नूं याद करते हैं, उन्हां दे लई इस पैगाम नूं समझना बड़ा जरूरी है। तो आओ अज दा इह पैगाम आपां शुरू करिए उस खुदा के नाते जो हर एक ते मेहरबान और निगहबान है। कहिंदे ने कि जिस तरह असी रोज़ दिन दे विच कई बार खाना खाते हैं तां जो जिहड़ा साडा शरीर है वो ताकतवर रहे, साडे शरीर नूं जान मिले, ताकत मिले, तां जो असी दुनियावी जिहड़े काम ने वो कर सकीए। रोज़ असी रोटी खाते हैं, दुध पीते हैं, होर भी फल फ्रूट कई तरह दीआं चीज़ां खाण दे विच असीं वरतदे हाँ, जिहदे नाल साडे शरीर नूं जान मिलदी है, ताकत मिलदी है, ते असीं दिन दे विच सारे काम जिहड़े आ ओह करदे हाँ ते बिना थके, ते रात नूं फिर असीं थके हुंदे हाँ ते रैसट करदे हाँ ते फिर खाणा खाते हाँ, फिर असीं अपने शरीर नूं ताकत दिंदे हाँ। ये हो गई शरीर दी ताकत। इसे तरह साडी रूह कमज़ोर हुंदी है। जिहड़ी साडी आत्मा है ओह साडे अंदर है। जिस तरह एक गड्डी नूं चलाउण दे लई तेल की लोड़ पैंदी है, पेट्रोल की लोड़ पैंदी है, असीं पेट्रोल पाउंदे हां ते गड्डी चलदी है। जिस टाइम गड्डी दे विच पेट्रोल नहीं है ते गड्डी किसे काम दी नहीं, उहनूं असीं यूज़ नहीं कर सकते, उहनूं वरत नहीं सकते, खड़ी है बस। वो इसे तरह ये साडा शरीर है। इस शरीर रूपी गड्डी नूं चलाउण दे लई साडे अंदर एक आत्मा है, जिहड़ी साडी रूह है वो एक तेल दा काम करदी है। जे इस शरीर दे विचों जिन्ना मर्जी सोहणा शरीर है, जदों तक इहदे विच रूह है उसे वेले तक ये काम दा है। जदों इहदे विचों रूह निकल गई तो ये किसी काम का नहीं। उस वक्त आपां देखते हैं कि जदों किसी इंसान के शरीर के विचों रूह निकल जाती है तो उस वक्त भी जिहड़े घर दे ने वो भी घर रखण की आग्या नहीं इहनूं दिंदे। वो कहिंदे हुण ये डेड बॉडी आ, ये मरिया होया इंसान है, इहनूं आपां घर नहीं रख सकते, जल्दी जल्दी इहदा संस्कार कर दईए, इहनूं दफना दईए, जो आपां इहदा क्रिया कर्म है वो कर दईए, क्योंकि आत्मा जिहड़ी है, रूह जिहड़ी है शरीर चों निकल गई। हुण जिहड़ी रूह है इहदी खुराक की है? शरीर नूं तां असीं खाणा खा लिया, ताकतवर कर लिया, ते साडा जिहड़ा शरीर है वो सानूं जान दिंदा, असीं जोड़ दा वी काम सारे काम कर लैंदे हां। पर जिहड़ी साडी रूह है ये साडे लई की करदी है? जदों साडी रूह कमज़ोर है ये साडे लई एक तां सही फैसला नहीं लवेगी, दूजे नंबर ते असीं अपनी जिंदगी दे विच थके जे महसूस करांगे, हारे महसूस करांगे, किसे काम दे विच असीं कामयाब नहीं हुंदे, ते फिर साडा जिहड़ा मन है वो उदास रहिंदा ते सानूं अपने आप ते यकीन नहीं रहिंदा, असीं कोई सही फैसला नहीं कर पाउंदे, सदा साडे मन दे विच नैगेटिव चीज़ां चलदियां रहिंदियां ते साडा जिहड़ा मन है वो डरिया होया रहिंदा। वो क्यों डरिया रहिंदा? वो तां कारण की है कि जिहड़ी साडी रूह है ये कमज़ोर है, इहनूं असीं हुण ताकत किवें देवांगे? जिस तरह शरीर नूं खाणा खाधा, रूह दे लई असीं भजन करना है, बंदगी करनी है। जदों असीं कलमे दा बिरद करदे हाँ, अल्लाह पाक दा जिक्र करदे हाँ, रूह नूं शांति मिलदी है, सुकून मिलता है, तो ये जिहड़ी रूह है ताकत हुंदी है। ये सारी रूह जिहड़ी है साडे, जिहड़ी साडी आत्मा है साडे सारे शरीर चों इकट्ठी हो के जो साडे अक्खां दे विचाले जांदी है, इत्थे आ के घूमदी है, इत्थे सारी एनर्जी साडी इकट्ठी हुंदी है, ते इत्थे इहनूं फिर बल मिलदा, इहनूं ताकत मिलदी। साडे शरीर दे आले दुआले एक ओरा हुंदा, एक ऊर्जा हुंदी है, वो ऊर्जा साडी जिहड़ी है मजबूत हुंदी है, ताकत मिलदी है, वो ऊर्जा वधदी है। जदों वो ऊर्जा वधदी है ते इहदे नाल साडे शरीर दे विच सहनशीलता दी ताकत वधदी है, इहदे नाल साडे शरीर दे विच सही फैसला लैण दी ताकत वधदी है, इहदे नाल साडे शरीर दे विच असीं हर एक काम नूं तरीके दे नाल ढंग दे नाल करन दी ताकत पाउंदे हां। जदों असीं अपने शरीर दे विच जिहड़ी ये एनर्जी जिहड़ी साडी अंदर आत्मा जदों साडी बलवान हुंदी है ते फिर इंसान दे उप्पर जे कोई मुसीबत वी आ जावे उह डोलदा नहीं,
वो ताकतवर रहिंदा कि नहीं कोई गल नहीं मैं इस चीज़ नूं हल कर लवांगा मैं सामभ लवांगा उहदा परमात्मा ते यकीन बणदा जदों ये आत्मा परमात्मा नाल मिलदी है भजन बंदगी करन दे नाल क्योंकि जदों असीं इहनूं चार्ज की करदे हां कि जदों असीं रब दा नाम लैंदे हां ते उस वक्त ये परमात्मा वल्लों भेजे हुए नूर दे नाल चार्ज हो जाती है इहनूं ताकत मिलती है क्योंकि जिहड़ी आत्मा है ये परमात्मा दा इक अंश है। हुण असीं कहिंदे हां कि साडे अंदर परमात्मा है ठीक है इस जिहड़ी परमात्मा जिहड़ा पूर्ण रूप च साडे अंदर नहीं है जे पूर्ण रूप दे विच साडे अंदर परमात्मा होवे ते फिर ये जिहड़ी असीं लोक माड़े काम करदे ने ये ना होण परमात्मा साडे अंदर है पर पूर्ण रूप दे विच नहीं है वो साडे अंदर एक सिर आत्मा दे रूप दे विच है उहदा एक अंश साडे अंदर है। अगर असीं उस चीज़ नूं परमात्मा दे नाल मिलदे हां ते साडे अंदर फिर जिहड़ी ये ताकत मिलती है सकारात्मक ऊर्जा जिहड़ी आपां कह दईए कि पॉजिटिव एनर्जी सानूं मिलती है परमात्मा वल्लों ते उहदे नाल फिर असीं अपने दुनियावी ते रूहानी सारे मसले जिहड़े हल कर लैंदे आ। कई बार इदां ना जिद्दां लोक वहिम भरम पैंदे वी सानूं किसी ने कुछ करता साडे उत्ते कोई माड़ी एनर्जी आ गई उह की हुंदा कि साडी आत्मा कमज़ोर है जदों आत्मा कमज़ोर है तो ये जिहड़ी माड़ियां चीज़ां नैगेटिव विचार जिहड़े माइंड दे जिहड़े थॉट्स ने ये सानूं घेरदे ने फिर साडे अंदर तरह तरह दीआं गल्लां आउंदीआं सानूं कीता कुछ आ करता हुंदा है सारा कुछ हुंदा है पर असीं इहनूं हैंडल किवें करना कि असीं अपनी जिहड़ी आत्मा है इसनूं बलवान करना उहनूं बलवान करन दे लई सानूं भजन करना पवेगा भजन करन दे लई सानूं जिहड़ी है समां कढ़ना पवेगा समां कढ़ांगे तां साडे सारे कार्ज होणगे दुनियावी वी ते रूहानियत वी क्योंकि जदों असीं मालक दे हथ दे विच अपना हथ दिंदे आ ते उह जिहड़ा पिता है सारिआं दा सारिआं नूं चलाउंदा है उही किसी नूं जन्म दिंदा उही उहनूं जिंदगी दे विच अग्गे लै के जांदा ते उही उहनूं आखर विच अपने कोल लै जांदा जे असीं उहदे हथ दे विच अपना हथ देवांगे ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਦਿਸ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਇੰਡ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਫੋਕੀ ਇੱਕ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਵਾਨੋਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਅਤੇ ਪਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਤੋ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਛ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਹੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੱਚ ਮੁਰਸ਼ਦ।